कैसे हैं आप सब? हम लोग एक इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ इंडिया। उसमें हम अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनके लिए भारत क्या है। तो आज अयोध्या में शाम की चाय पीने के लिए मैं आप लोगों के साथ में आया हूँ। हम शाम की चाय पियेंगे और कुछ इंडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। आप लोगों को कितना टाइम हो गया यहाँ पर अयोध्या में? कितना टाइम हो गया आपको? आज 2 ईयर के करीब हो गया है। तो यहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे सर कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा, राम मंदिर का सर। अच्छा। उसी पे ही वर्किंग है सर। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 1 ईयर हो गया सर। 1 ईयर हो गया आपको, ठीक है। आप क्या काम कर रहे हैं? यहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको कितना टाइम हो गया? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। आप क्या काम कर रहे हैं? घिसाई कर रहे हैं पत्थर का। पत्थर की घिसाई, जो ये मंदिर में ये वाला जो पत्थर लग रहा है, मंदिर का काम आप घिसाई का काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप? राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। आप? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से हैं। तो पत्थर वाला सारा काम शायद राजस्थान में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए यहाँ से हैं। तो आप भैया कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। आप यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं? मैं सर सिविल काम है सर। अच्छा, चाय यहाँ रख दीजिए भैया, अभी ले लेंगे हम। क्या, चलो ले लें चाय, पीते पीते चाय। अयोध्या शहर आपको कैसा लग रहा है? इतना टाइम हो गया रहते हुए आपको अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, आपको अयोध्या शहर कैसा लग रहा है? अच्छा सर, बढ़िया सर। अच्छा, मंदिर उनके पास आया अपना सर। कुछ अपना जो डेली आप लोग काम करते हो उसके अलावा कुछ घूमने का मौका भी मिलता है? मिलता है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो फ्री टाइम में कहाँ जाना पसंद करते हैं आप लोग? हम सर सरयू घाट पे भी चले जाते हैं सर। अच्छा, कई घाट हैं सर यहाँ पे, कुंड हैं, उन पे घूमते हैं सर। तो सरयू घाट कैसा वो है? मैं भी जाना चाह रहा हूँ, कल जाऊंगा शायद। कैसा है वो घाट? बिल्कुल अच्छा है सर, बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, सारी सुविधाएं हैं सर वहाँ पे। अच्छा, अभी और भी अच्छा होने लग रहा है धीरे धीरे करके सर। अच्छा, ठीक है। बोला आपको इसका यहाँ का सबसे अच्छी चीज क्या लगी अयोध्या की? रोड का मामला में बहुत मतलब बेटर हो गया। अच्छा, अपना काम ही सबसे अच्छा लग रहा है? आप शायद रोड बना रहे होंगे यहाँ पर, हाँ, इसलिए आपको रोड वाला काम मतलब चौड़ीकरण हो रहा है ज्यादातर। अच्छा, तो अच्छा, मतलब ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है आम पब्लिक को। अच्छा, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है हिंदू धर्म के भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए? तो कुछ फील आता है श्री राम का जन्मभूमि पे आप लोग काम कर रहे हो, अच्छा लगता है आपको? मंदिर में जब पत्थर का काम करते हैं आप, तो आप यहाँ पर मंदिरों में घूम के आए? हाँ, अच्छा, घूम के आए, ठीक है। अपने देश भारत के बारे में आपको क्या सोचना है? अपने देश भारत कैसा लगता है आप लोगों को? भारतवर्ष महान देश है सर, कोई अच्छा देश है, बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है। और अभी राम मंदिर का काम स्टार्ट हो गया है, ये भी एक गौरव की बात होगी हमारे देश के लिए जब ये पूरा हो जाएगा सर। चलो, और इंडिया में अयोध्या के अलावा और कौन सा शहर आप लोगों को पसंद है? लखनऊ। अच्छा, आसपास के बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं या जो भी सिटी हैं जो बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, जैसे अपना नज़दीक में लखनऊ हो गया। हाँ, आसपास में इधर बगल में आपका गोरखपुर है। हाँ जी, हाँ जी। इससे आगे NCR, गुड़गांव, अपना दिल्ली। हाँ हाँ, पानीपत, ये जो भी आसपास के इलाके हैं बहुत अच्छे, रोजगार के माध्यम में भी अच्छे हैं। हाँ हाँ, और अन्य सभी सुविधाओं में भी अच्छे हैं। ठीक है, और खाने में क्या चीज़ पसंद है आपको? खाना जो इंडिया का सारा है, खाने में क्या पसंद? खाने में तो सर वेजिटेरियन सही रहता है सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए। बिहार में शायद चावल, दाल चावल बहुत अच्छे है, ज्यादा चलता है। हाँ जी सर, वो तो लोकेशन के ऊपर होता है कि जहाँ जो पसंद करे वो चीजें उनको मिलती है, उसके लिए वो बहुत अच्छे से। हाँ, मैं भी लोकेशन वाइज जानना चाह रहा हूँ। राजस्थान का सबसे फेमस क्या चीज है खाने में? दाल बाटी, दाल बाटी चलती है। कौन सा त्योहार आपको सबसे पसंद है? दीपावली। और यहाँ तो दीपावली अलग तरीके से मनती होगी, फीलिंग चाहे छोटी मने चाहे बड़ी मने, फीलिंग सर बिल्कुल, फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आती होगी यहाँ पर ना? बिल्कुल सर, दीपावली में यहाँ पे दीपोत्सव का महोत्सव होता है हमारा अयोध्या में। हाँ हाँ, जो कि राम मंदिर का निर्माण में भी बहुत ज़्यादा योगदान है उस चीज़ का। हाँ हाँ, ये उससे बहुत ज़्यादा पर्यटक भी आते हैं यहाँ घूमने देखने। अच्छा, और दीपोत्सव को बहुत उत्सव से मनाया जाता है यहाँ। ठीक है, अगर आपको लगे जैसे अपने देश के लिए कुछ, देश में कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ हमें एक देश के लिए सपना बनाना हो जिसमें हमारा देश एक सपनों का देश हो, तो वो सपना क्या होना चाहिए? सबसे पहले
पहले स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छा ठीक है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एनवायरनमेंट पे मतलब विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, विभाग या कोई भी संस्था हो, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी हो, उस पर विशेष तौर पर पर्यावरण को देखा जाए हर चीज के मामले में। अच्छा, जई कंस्ट्रक्शन हो, जई अदर प्रोसेस हो, कोई भी कंपनी या कॉलेज स्कूल कोई भी संस्था हो। और सर डेवलपमेंट के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सारी चीज़ें बहुत जरूरी है हमारे। हाँ जी, हाँ जी, और उसके लिए निरंतर कार्य चल ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, और उम्मीद है कि और बेस्ट होगा इससे। हाँ हाँ, आपके साथ अयोध्या पे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा और शाम की चाय पी के भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस रिसर्च का कुछ फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।